हेलो गाइस, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमने बनाई है ये सब्ज़ी, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बनी है। होटल की सब्ज़ी भी फेल है इसके सामने। और ये सब्ज़ी आज मैंने केले के कोफ्ते कोफ्ते बनाए हैं। आपने घिया आलू बाकी के कोफ्ते खाए होंगे, केला के कोफ्ते नहीं खाए होंगे। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और मैं इनको आज बताती हूँ। केला लिए मैंने 6, और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं जितनी आपको बनानी है। और धो के साफ़ कर लिए और इनको छील लेंगे। अगर आप छीलना नहीं चाहते हैं तो मत छीलो, वैसे ही उबाल में रख दें। और मैंने ये छील के उबालने रख रही हूँ मैं इनको, और इनको मैं गैस पर रखूँगी इसी पानी के में। और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी जिससे केला का कलर ख़राब ना हो। तब तक केला बॉल होते हैं तब तक मैं इसका मसाला बनाती हूँ। और ये 2 प्याज लिए मैंने और 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, और इसका एक पेस्ट बना लेंगे ग्रेवी के लिए। इधर केला बॉयल हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं और ठंडे कर लेते हैं। केला ठंडे हो चुके हैं, इसमें 1 बड़ी चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। बेसन ज़्यादा नहीं डालना है। हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, 1/4 चौथाई चम्मच हल्दी, 1/4 चौथाई चम्मच मिर्च, नमक थोड़ा सा, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे इसमें, थोड़ा सा धनिया सूखा, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। वैसे ये बैटर ये पतला बनेगा, आप ये ना सोचें कि पतले हैं तो इनके कोफ्ते नहीं बनेंगे, बनेंगे बहुत अच्छे। और ये बन के तैयार हो चुका है मेरा। अब हाथ पे तेल लगा के इसके गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे हम। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे कोफ्ते मैं बना लूँगी तेल लगा के। पतला है पर कोफ्ते अच्छे बनेंगे इसके। और इधर कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, और तेल गर्म हो चुका है, और इसमें कोफ्ते डाल देंगे। गैस हमें बिल्कुल मीडियम रखनी है, फुल गैस पे नहीं सेकने हमको ये कोफ्ते, क्योंकि जल जाएंगे अंदर से, नहीं सेकेंगे और आसानी से इनको पलटेंगे इधर उधर। और इस तरीके से पलट लेंगे सबको, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और कोफ्ते पक चुके हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। और इसी तरीके से मैं दूसरे बैच को भी तैयार कर लूँगी। बड़े आसानी से इनको तल लेंगे, और कोफ्ते तल के तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने मुलायम, कितने अच्छे बने हैं, खस्सा सिके हैं अंदर से। तेल निकाल लिया, थोड़ा सा तेल रखा है मैंने, इसमें जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिए, और ये तड़क चुका है। और इसके बाद मैंने वो ग्रेवी पीसी थी उसको डाल देंगे, इसको भूनेंगे अच्छे से। मसाला अच्छा भुनना चाहिए सब्ज़ी में, जब भी टेस्ट आता है। और प्याज भुन चुकी है तो मैं इसमें 1 टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर बहुत महंगे तो इसीलिए मैंने कम डाले हैं। 1 टमाटर डाला काट के ऊपर से जिससे दिखे। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। सारे मसाले हम मिक्स कर लेंगे और फिर से चलाएँगे और ढंग से पकाएँगे इसको। ग्रेवी तब तक अच्छी नहीं पकती जब तक सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। और इसको मैं लगातार चलाती रही। इसमें 1 चम्मच भर के मैंने मलाई डाल दिए, इससे बहुत अच्छी क्रीमी स्वाद आएगा इसमें सब्ज़ी में। और चलाते रहेंगे। और ग्रेवी हमारी पक चुकी है, आप देख सकते हैं ग्रेवी तेल छोड़ दिया है। और इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि कोफ्ते पानी पीते हैं, ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है बाद में। और इनको मैं फिर से पकाऊंगी, कोफ्ते डाल दिए हैं मैंने, और फिर से कम 5 मिनट पकाऊंगी इनको मीडियम फ्लेम पे। इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और कसूरी मेथी डाल दिए। और बिल्कुल सब्ज़ी हमारी ऑलरेडी बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसको एक बॉल में निकाल लेंगे और बिल्कुल रेडी है तैयार। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। और आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छे, कितने नरम मुलायम।